तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो पूरा का पूरा आज हम यहाँ से क्लास 12th का आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका पूरा प्री बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन पेपर यहां से देखने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अंत तक देखकर जरूर जाएं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 कक्षा 12 का आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको इसका सोल्यूशन कैसे तैयार कर लेना चाहिए। देख सकते हो यहाँ से आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का और MM यानी कि मैक्सिमम मार्क्स होगा आपका 80 अंकों का। यहाँ से आप सभी लोग देख सकते हो इस प्रकार से ये यहाँ पर निर्देश आपको लिखे गए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को ताकि आप सबको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ सके। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब समझते हैं आपके पूरे प्री बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को। मगर प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 के आपके इंग्लिश विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसका सोल्यूशन को। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग इसको अच्छे से देख लेंगे और समझ लेंगे। टोटल आपका 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा और टाइम दिया जाएगा आपको 3 घंटे का। तो देखिएगा ये आपके पेपर का सेक्शन ए रहा, आप सभी लोग इसको अच्छे से हल कर लेंगे। देखिएगा सेक्शन ए में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को देख लें। रीड द पेजेस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन फॉलो। तो देखिएगा यहाँ पर आपसे 10 नंबर का एक अनसीन पेसेज आपको यहाँ पर दिया जाएगा, आप सभी लोग इसको अच्छे से हल कर लेंगे। तो देखिएगा पूरा का पूरा ये आपको अनसीन पेसेज दिया गया है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और इसको समझ भी लेंगे। और देखिएगा यहाँ से शुरुआत होती है इन प्रश्नों की। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, द ग्लोबल टाइगर फोरम कंपनीज। तो देखिएगा ये जो पहले नंबर का क्वेश्चन लिखा गया है इसका उत्तर आपका डी नंबर का आ जाएगा, ये वाला कंट्रीज विच हैव टाइगर्स। तो देखिएगा ये इसका उत्तर हो जाएगा। और दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, द बिगेस्ट इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन हैज बीन बिटवीन द ईयर्स। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा जो लिखा गया है इसका उत्तर आपका यह आ जाएगा, 2014 से 18 तक के बीच में इनकी इंक्रीज देखी गई थी। और उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं, पेजेस को मैं यहाँ पर आपको पढ़कर नहीं दिखा रहा हूँ, पेजेस को आप स्वयं लोग पढ़ लें और इसको समझ लें। और क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर आपका यह आ जाएगा, डबलिंग द काउंट ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन। तो ये इसका उत्तर होगा। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, 2018 सेंसस ऑन द बिग केट हैज बीन द मोस्ट रिलेबल बिकॉज। तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है इसका उत्तर आपका ए नंबर का आ जाएगा, यहाँ से आप लोग लिख लें, इट प्रोटोग्राफ 83% ऑफ द टाइगर। तो यहाँ से आप लोग नोट कर लें। और उसी के अलावा पाँचवें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, पाँचवें नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द सर्वाइवल ऑफ द टाइगर इज वाइटल टूडे बिकॉज। देखिएगा पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा, तो इसका उत्तर पाँचवें का उत्तर आपको बी नंबर का लिख लेना है, इट इज़ सेंट्रल टू द फूड चेन एंड द इको सिस्टम। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। और छठे नंबर के क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इसका उत्तर क्या होगा, तो छठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका सी नंबर का आ जाएगा, लैंडस्केप्स। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। और इसके अलावा छठे नंबर के क्वेश्चन को हमने देख लिया है, अब सातवें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज़ द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ द मध्य प्रदेश। तो देखिएगा मध्य प्रदेश की टाइगर पॉपुलेशन कितनी है ये आपको बतानी है। तो देखिएगा सातवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसका उत्तर आ जाएगा 526। और उसके अलावा आठवें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द पेसिस। तो देखिएगा इस पेसिस के अनुसार कौन सी बात सत्य नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिएगा ये तो वैसे यहाँ पर एक हिसाब से ये अलग प्रकार का क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ पर जो जो बातें लिखी है सारी की सारी बातें सत्य है। देखिएगा जो सत्य बात होती नहीं थी वो इसमें हो सकता है वो देना भूल चुके हैं, तो आप इसको अपने हिसाब से देख लेंगे। नवे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोवाइडिंग इन वेलटेन स्पेक्ट फॉर द टाइगर। तो देखिएगा नवे नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसका उत्तर आपका ए नंबर का आ जाएगा, टाइगर नंबर हैव इंक्रीज ड्यू टू द सेफ ब्रीडिंग प्लेसेस। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर मीनिंग ऑफ द कंडक्टिव। तो देखिएगा कंडक्टिव का क्या मीनिंग है, तो इसको आप लोग यहाँ से नोट कर लें, ये इसका मीनिंग हो जाएगा हेल्पफुल। और उसी के अलावा क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, क्या लिखा गया है,
रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट आल्सो गिव ए सुइटेबल टाइटल। यहाँ से आपको इस पेसेज को पढ़ना है और इसमें से आपको नोट्स बनाने हैं। तो वैसे तो आपको नोट मेकिंग समरी को बनाना आता होगा, और नहीं आता है तो यहाँ पर आपको एक आई बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग नोट मेकिंग समरी को बनाना जरूर सीख लेंगे। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें, इसमें से आपको नोट मेकिंग समरी को बनाना सीख लेना है। और सेक्शन बी में आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा, यू आर ऐश्वर्या पटेल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल देवास। यू हैव फाउंड ए बैग इन द स्कूल प्ले ग्राउंड, प्रिपेयर ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड गिविंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ द अबाउट बैग। तो आप लोग इसको देख लें, उसके तो हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसको देख लेंगे, या उसी के अलावा आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 को, 4 के बाद में 5 को देख लें। सभी के सभी क्वेश्चंस आप सबसे इस प्रकार से पेपर में पूछे गए हैं, और यहाँ से आप सभी लोग इनको देख लेंगे। और सेक्शन सी में यहाँ से आप लोग देख लें, सेक्शन सी को भी आप लोग सॉल्यूशन सहित लिख लें। सेक्शन सी के पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, आई सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंग, तो देखिएगा इसका आपको लिख लेना है, इसमें आपका कुड आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, ही इज जूनियर यू, तो देखिएगा इसमें आपको टू लिख लेना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दे हैव हार्डली नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा गया है इसमें से आपको लिख लेना एनी। और इसके अलावा चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, आई एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा है इसका उत्तर क्या आ जाएगा, तो चौथे का उत्तर आ जाएगा हैव नॉट ईटन, तो देखिएगा ये इसका उत्तर आ जाएगा, यहाँ से आप लोग नोट कर लें। और इसके अलावा पाँचवें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, वेयर इज बुक डेट आई गेव यू यस्टरडे, तो देखिएगा पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है इसमें से आपको यहाँ पर दा लिख लेना है। और छठे नंबर के क्वेश्चन में आपको थॉट लिख लेना है, यहाँ से आपको क्या लिख लेना है, थॉप, यहाँ से आप लोग इस प्रकार से लिख लें। और डू एज डायरेक्टेड अगर आपको बनाने नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इनको बनाना सीख लें। और इसी के अलावा आप आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा यहाँ से सेक्शन डी में आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 8 में एक 5 नंबर का अनसीन पेसेज पूछा जाएगा। अनसीन पेसेज तो हम इसको नहीं कहेंगे क्योंकि ये आपके पार्ट से ही लिया गया एक्सट्रैक्ट है, तो इसलिए हम इसको अनसीन नहीं कहेंगे, ये आपके पार्ट के अंतर्गत पूछा गया ही एक एक्सट्रैक्ट है। तो चलिएगा जल्दी से हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, वेयर हेड ऑल द बेड न्यूज़ कम फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से सबसे ज़्यादा बुरी खबरें कहाँ से आ रही थी, तो देखिएगा यहाँ से इसका उत्तर आ जाएगा बुलेटिन बोर्ड से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रांस, तो देखिएगा ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार ने फ्रांस से क्या कहा था, तो देखिएगा इसका उत्तर आपका आ जाएगा डी नंबर का, टू नॉट गो टू सो फास्ट, यानी कि ज़्यादा तेज जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, व्हाट हैज मिसेस हेमलेंस लिटिल गार्डन बीन कंपेयर्ड टू द दिस एस्ट्रक्ट, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा गया है इसका उत्तर आपका डी नंबर का आ जाएगा, हिज गार्डन। और चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा गया है, देखिएगा विच ऑफ द मीन्स अपीरेंस, तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है इसका उत्तर आपका आ जाएगा अमेचर, यहाँ से आप लोग नोट कर लें। और पाँचवें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं तो देखिएगा इसमें क्या लिखा है, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वाचर, तो देखिएगा पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है इसका उत्तर आपका बी नंबर का आ जाएगा, टू बूस्ट द मेरेबल ऑफ द फ्रांस, तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। और 5 के बाद में छठे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं तो देखिएगा ये 8वें नंबर का आपका क्वेश्चन था, 8वें नंबर का, और 8वें के बाद में ये 9वें नंबर के क्वेश्चन को देख ले आप सभी लोग, देखिएगा रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, तो देखिएगा आप लोग यहाँ से इसको देख ले पूरा और समझ लेंगे। तो देखिएगा पहले क्वेश्चन को देखते हैं, द एबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, तो देखिएगा ये किस पार्ट से लिया गया है, तो 9वें का आपका बी नंबर का आ जाएगा उत्तर, ये वाला आप लोग लिख लें। और दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा टाइगर, और तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं तो ये आ जाएगा आपका इसका ये वाला, आप लोग लिख लें ये इसका उत्तर होगा। और 9वें के बाद में इसका ये बी वाला भाग है, आप सभी लोग इसको भी देख लें और समझ लेंगे। तो देखिएगा इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं, हु वाज द इंजर्ड मैन, इंजर्ड मैन कौन था ये आपको बताना है, तो यहाँ से आपको लिख लेना अमेरिकन। और उसके अलावा दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, मेन किस प्रकार से इंजर्ड हुआ था ये आपको बताना है, तो देखिएगा बाई ए गन। उसके अलावा हूँ वाज सदाओ, सदाओ कौन था ये आपको बताना है, तो देखिएगा इसका उत्तर आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का कि सदाओ कौन था, तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें ए डॉक्टर। और उसी के अलावा चौथे नंबर के क्वेश्चन को देख लें क्या लिखा है, द फेस ऑफ द इंजर्ड मेन इज, तो देखिएगा ये टर्टर्ड, ये इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आपकी प्री बोर्ड परीक्षा हेतु कक्षा
12वीं का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लेंगे और समझ लेंगे। टोटल आपका जो प्री बोर्ड परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर होगा ये बिल्कुल इसी प्रकार का होगा, मगर ध्यान रहे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी प्री बोर्ड परीक्षा का रियल वाला क्वेश्चन पेपर नहीं है। प्री बोर्ड परीक्षा जैसे ही होगी आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको 101% रियल वाला क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया जाएगा। ये जो पेपर है ये प्री बोर्ड परीक्षा है तो एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है आप सभी लोगों के लिए। ये पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा में भी काफ़ी मददगार सिद्ध होगा, तो इसलिए आप सभी लोग इसका रिविजन जरूर अच्छे से कर लें और प्री बोर्ड परीक्षाओं के पेपर के लिए थोड़ा सा वेट जरूर करें। इसके लिए आप सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सबसे पहले हमारे द्वारा ही यहाँ से आपको प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर सबसे पहले आपको दिखाए जाएंगे और वो भी पूरे के पूरे सॉल्यूशन के साथ में। तो इसलिए आप सभी लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।